परदेशी पुरा स्थित बाल सुधारगृह से 8 बच्चे एक साथ भाग निकले की घटना की विशेष जांच जिला प्रशासन करवा रहा है। कलेक्टर लोकेश जाटव का कहना है कि हमने वहां का दौरा भी किया, जांच में स्टाफ की लापरवाही उजागर हुई तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये बहुत दुखद घटना है और बड़ी घटना भी है। एक ही अल सुबह एक ही जगह से 8 बच्चों का वहाँ से भाग जाना, और कल उसके बाद हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर के साथ और जुडिशरी की टीम के साथ वहाँ का स्थल निरीक्षण भी किया था, और घटना की गंभीरता को देखते हुए मैंने ऑलरेडी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश कर दिए हैं। जांच के जो 2-3 प्रमुख बिंदु हैं, उस पर सबसे पहले ये देखेंगे क्या उस घटना में वहाँ पर जो स्टाफ पदस्थ है, होमगार्ड का स्टाफ भी है और जो रेगुलर स्टाफ है वहाँ का, अधीक्षक हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, अगर उनमें किसी भी तरह की लापरवाही परिलक्षित हुई तो उनमें कार्रवाई का प्रस्ताव रहेगा। दूसरा, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं डे टू डे, चाहे बच्चों के खाने पीने की हो, साफ़ सफाई की हो, टॉयलेट्स की हो, पानी की हो, बिजली की हो, रख रखाव की हो, वहाँ से जुड़ी जो समस्याएं हैं, दूसरा बिंदु है। तीसरा ये कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि करीबन 1.5 या 2 महीने पहले इसी तरह की घटना और हो चुकी है, और 2 महीने में बैक टू बैक इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि वहाँ पर व्यवस्थाओं में कुछ कमियाँ हैं। तो लॉन्ग रन में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए भी सजेशंस हमने लिए हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के काम वहाँ पे आवश्यक प्रतीत हुए हैं, तो इन 4 बेसिक बिंदुओं पे मजिस्ट्रेट जांच के आदेश मैंने दिए हुए हैं।